हाय एवरीवन, आज वाराणसी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की क्लास में बात करेंगे कि अगर कोई नॉन अबेलियन ग्रुप है पी क्यूब ऑर्डर का, पी इज अ प्राइम नंबर, करें कैसा हो कि लेट ऑर्डर ऑफ जी इज पी क्यूब एंड जी इज नॉन अबेलियन, करें कि इसका ऑर्डर पी क्यूब हो और जी कैसा हो, नॉन अबेलियन हो, देन सेंटर ऑफ जी दिस हैज एग्जैक्टली पी एलिमेंट्स, करें कि सेंटर ऑफ जी हैज एग्जैक्टली पी एलिमेंट्स, एग्जैक्टली पी एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। कि अगर जी नॉन अबेलियन है, पहली शर्त, दूसरा ऑर्डर इसका पी क्यूब है, देन इसके सेंटर में एग्जैक्टली पी एलिमेंट्स होंगे। अब हम लोग इसको देख सकते हैं कि सिंस आपके पास ये बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की क्लास है, फिफ्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स, और इसमें यूनिट टू की बात हो रही है, यूनिट टू में ऐसे क्वेश्चन आपके लिए पूछे जाते हैं। क्लेट जी बी नॉन अबेलियन ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ जी पी क्यूब, देन सेंटर ऑफ जी हैज एग्जैक्टली पी एलिमेंट्स। आप इसका सोल्यूशन देखिएगा, सोल्यूशन इसका बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप देखिए कि अगर इस जी का ऑर्डर पी क्यूब है, देन दिस इंप्लाइज पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी आर पी पावर जीरो, पी पी स्क्वायर पी क्यूब। बट इसमें जो शर्त है वो ये है, शर्त ये है कि पी क्यूब नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर पी क्यूब हो गया तो फिर, अगर पी क्यूब हो गया तो क्या होगा इस केस में, सेंटर ऑफ जी क्या होगा, इस ग्रुप के ही बराबर हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, जी इज अबेलियन। तब तो अबेलियन हो जाएगा, क्योंकि अबेलियन होने में ही सेंटर ऑफ जी सेम एज ग्रुप। तो ये जो है दिया गया है कि जी इज नॉन अबेलियन, तो ये केस कैंसिल। और पी ग्रुप के केस को आपने पढ़ा है कि अगर पी ग्रुप है तो फिर वन एलिमेंट तो होंगे नहीं सेंटर में, एक से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं। इसका प्रूफ है कि इफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज पी पावर आर, देन इट्स सेंटर इज नॉन ट्रिवियल। बड़ी अच्छी थ्योरम है, बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। अब आपके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं कि सेंटर का ऑर्डर या तो पी स्क्वायर हो जाए या पी हो जाए। अब हम लोग चलते हैं पी स्क्वायर के पास। लेट सेंटर ऑफ दिस ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ ग्रुप इज पी स्क्वायर, सिंस सेंटर ऑफ जी इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, दिस इंप्लाइज जी बाय जेड जी इज डिफाइंड एंड दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज या नाउ या आप देखिएगा नाउ जी बाई सेंटर ऑफ जी, हम लोग इसके ऑर्डर की बात करेंगे, दिस इज पी क्यूब अपॉन पी स्क्वायर इज पी प्राइम। एंड यू नो दैट एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक इन दिस होल यूनिवर्स। आप इस यूनिवर्स में चाहे जहां भी हो, अगर प्राइम ऑर्डर का ग्रुप मिलेगा तो साइक्लिक ही होगा। ऐसा नहीं कि प्राइम ऑर्डर का ग्रुप बनारस में होगा तो दूसरा होगा, प्राइम ऑर्डर का ग्रुप दिल्ली में होगा तो दूसरा होगा, कलकत्ता में दूसरा होगा या जम्मू में दूसरा होगा। प्राइम ऑर्डर का है तो हमेशा साइक्लिक ही होगा, और साइक्लिक है तो अबेलियन होगा, अबेलियन है तो उसके सारे के सारे सब ग्रुप नॉर्मल हो जाते हैं। उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग एक केस है। अब अगर पी हो गया, पी प्राइम हो गया, तो करें कि दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज जी बाई जेड जी इज साइक्लिक एंड दिस इंप्लाइज जी इज अबेलियन, ए कंट्रडिक्शन। क्यों? क्योंकि आपको दिया गया है कि आपका ग्रुप कैसा है, आपको दिया गया है कि आपका ग्रुप कैसा है, नॉन अबेलियन, तो ये तो कंट्रडिक्ट कर गया। अब आप आइए केस नेक्स्ट, लेट अब अगर ध्यान से देखिएगा, अगर सेंटर में एक एलिमेंट नहीं है, सेंटर में पी क्यूब एलिमेंट नहीं है, सेंटर में पी स्क्वायर एलिमेंट नहीं है, तो अब कौन बचा, पी बचा, केवल पी ही बचा।
एंड दिस इंप्लाइज, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि सिंस हियर, सिंस ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू वन, ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू पी क्यूब, ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू पी स्क्वायर. दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी इज वॉट पी ओनली व्हेन व्हेन जी इज नॉन अबेलियन. अगर ये नॉन अबेलियन हो गया तो ठीक है ना, ये केस बचती है. तो अगर किसी भी नॉन अबेलियन ग्रुप का ऑर्डर पी क्यूब टाइप से है तो उसके सेंटर में पी एलिमेंट जाएंगे एग्जैक्टली. फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल सेंटर ऑफ दिस डी टू इंटू फोर कंसिस्ट ऑफ ओनली टू एलिमेंट वन एंड एक्स टू, एंड सेंटर ऑफ क्यू एट कंसिस्ट ऑफ ओनली टू एलिमेंट्स माइनस वन एंड दिस वन. यू कैन सी दैट. एंड इट्स ऑर्डर इज अगेन 8, इसका भी ऑर्डर 8 है. और 8 को आप लिख सकते हैं 2, 3, दिस इज 2 पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं p पावर 3. तो थैंक यू, हैव नाइस डे. और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को जोड़िए. कंप्लीट कोर्स आईएसएम वाराणसी एश्योर यू दैट योर कोर्स विल बी कंप्लीटेड फुली. आपका कंप्लीट कोर्स आपके यूट्यूब पे फ्री दिया जाएगा और ये सारे कोर्स ऐप पे भी जल्दी से आ जाएंगे. तो आप देखते रहिए, जुड़ते रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए. चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए. और हमेशा आप इस मोड में रहिए, एनर्जेटिक दिखिए. आप क्रिएट पॉजिटिव एनर्जी अराउंड योर सेल्फ. आपको देख करके किसी को जीने की इच्छा जाग जाए, ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करिएगा. तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे.